सजेस्टेड वीडियो मतलब 81.8% सजेस्टेड वीडियो से आया है, ब्राउज फीचर से 9.1% है और यूट्यूब सर्च से 9.1% है। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चोरी कैसे करें। अरे यार, चोरी का मतलब है कि हमें व्यूज़ चुराना है और सब्सक्राइबर को चुराना है। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके व्यूज़ को चुराना है। इस तरह से हम कैसे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके व्यूज़ को हम चुरा सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, ना ही उनकी चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरह से हमारी चैनल के ऊपर हम लोगों के व्यूज़ को चुरा सकते हैं। बड़े यूट्यूबर के व्यूज़ को चुराएंगे, बड़े यूट्यूबर के सब्सक्राइबर को भी चुराएंगे और उन सबको हमारी चैनल के ऊपर लाकर हमारी चैनल को ग्रो करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कौन सा वीडियो आपको बनाना है उसको डिसाइड करना है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी की चैनल है, टेक की चैनल है, गेमिंग की चैनल है, किसी भी टाइप की कोई भी चैनल है, आपकी व्लॉगिंग चैनल है या फिर आपकी कुकिंग चैनल है या फिर कॉमेडी चैनल है, किसी भी तरह की कोई भी चैनल है, तो उस चैनल के ऊपर ये ट्रिक वर्क करेगी। और इस तरह की ट्रिक आजमा कर आप अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको करना क्या होगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि कौन सी वीडियो आप बनाएंगे, उस वीडियो का टाइटल क्या होगा, किस तरह से आप बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेरी इस चैनल का ही आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं टेक यूट्यूबर हूँ तो मैं टेक का एग्जाम्पल दूंगा। आपको आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से काम करना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर YouTube चैनल के अंदर और आज हम टारगेट करेंगे टेक चैम्पियन सपोर्ट को, ठीक है। टेक चैम्पियन सपोर्ट के व्यूज़ को चुराएंगे, टेक चैम्पियन सपोर्ट के सब्सक्राइबर को चुराएंगे और हमारी चैनल के ऊपर लाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चैम्पियन सपोर्ट, ठीक है। टेक चैम्पियन सपोर्ट की चैनल के ऊपर हम जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उनकी चैनल पर हम देखेंगे, वीडियोस के अंदर जाएंगे जो उन्होंने रिसेंट वीडियो अपलोड की है 2 घंटे पहले, ठीक है। उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो इन 5 जो सबसे पहली 5 वीडियोस है, इन वीडियोस के अंदर आपको देखना है कि कौन सी वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहला है मेरा चैनल ख़त्म, टेक चैम्पियन सपोर्ट, 2 साल की मेहनत। दूसरा वीडियो है ₹2 करोड़ में अपना चैनल बेच दिया, यूपी चाय वाली, क्राइटेरिया ख़त्म, ऐसा कुछ वीडियो है। चौथे नंबर का वीडियो है 1 वीडियो व्यूज़ पर ₹35, लाइव प्रूफ, ठीक है, आपको वीडियो वॉच करना है और अर्न करना है, इस तरह की वीडियो है। और ये एक लास्ट है, मेरे जैसा दिमाग लगाओ, यूट्यूब से 1 करोड़ 1 साल में कमाओ। तो इन 5 वीडियो में से सबसे ज़्यादा व्यूज़ कौन सी चैनल पर है, तो कौन सी वीडियो के ऊपर है, तो ये 4 नंबर वाली वीडियो है, 74,000 व्यूज़ है यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर हम जाएंगे और इसको हम टारगेट करेंगे, इस वीडियो को हम टारगेट करेंगे। तो इस वीडियो को टारगेट करने के लिए अबे हमको करना क्या होगा, हमें इस टाइटल को कॉपी कर लेना है। यहाँ से टाइटल तो कॉपी होने वाला है नहीं, तो टाइटल कॉपी करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे डेस्कटॉप साइट करेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ही है। और जैसे ही खुलता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको कॉपी करना है, किस तरह से कॉपी करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ये वाला वीडियो हमने देखा था,
हमें क्या करना है, इस वीडियो का जो टाइटल है इसको कॉपी करना है। तो हम यहाँ पर हमारा नोटपैड हमें ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक नया पेज ले लेंगे, यहाँ पर हम टाइटल कोई भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उस टाइटल को हम करेंगे यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टैग चैनल कोई भी आप, ठीक है। चलिए इस टाइटल को हमें यहीं पर रखना है। अब हम जाएंगे वापस से वहीं पर, अब हम जाएंगे YouTube के अंदर, और YouTube के अंदर जाने के बाद हमें इनके जो टैग्स है उन टैग को कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। इस वीडियो को ओपन करना है, इस वीडियो को ओपन करने के बाद हमें इसकी लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करेंगे, लिंक को कॉपी करने के बाद इसके टैग को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और वो एप्लीकेशन है टैग यू, ठीक है। चलिए ये है टैग यू। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी वीडियो के टैग को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और चेक करेंगे। जैसे ही हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है, तो इन सारे टैग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद फिर से हम जाएंगे हमारे नोटपैड के अंदर, यहाँ पर हम उसको कर देंगे पेस्ट। तो हमारे हमारे पास टाइटल भी आ गया है, हमारे पास टैग भी आ गया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें कोई भी अगर वीडियो बनानी है तो इसी टाइटल के ऊपर हमें वीडियो बनानी है, इस तरह की वीडियो बनानी है कि ये टाइटल अच्छे तरीके से वर्क करे, और इसी टाइटल के ऊपर एक वीडियो बनानी है, उस वीडियो को अपलोड करना है और यही टाइटल लगा देना है। और अगर आप चाहे तो इसी वीडियो का थंबनेल भी आप लगा सकते हैं। जब तक आपकी चैनल ग्रो नहीं होती तब तक आपको इस तरह से काम करना होगा, तभी आपकी चैनल के ऊपर व्यूज़ बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस थंबनेल के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है और इनकी फ़ोटो को यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं और अपनी चैनल के ऊपर लगा कर अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चैनल के ऊपर 100% व्यूज़ भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरी ही चैनल का, ठीक है। मैंने भी कुछ इस तरह से काम किया है, आपको बताता हूँ। चलो देखिए, मैंने यहाँ पर एक घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को अपलोड किया है, और यहाँ पर 11 व्यूज़ आ चुके हैं। और मैंने कुछ इसी तरह से काम किया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो भी टाइटल लगाया है उसी टाइटल को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और उनके अंदर जो भी टैग उन्होंने लगाए हैं उन्हीं टैग को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। 3 दिन पहले 16 व्यूज़ है, यहाँ पर 16, 23, ठीक है, इतने व्यूज़ आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया उसके अंदर 32 व्यूज़ है, और ये एक घंटे पहले वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर 9 व्यूज़ है। मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए तो 11 व्यूज़ आ चुके हैं। गो टू एनालिटिक्स में जाएंगे, और एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं सजेस्टेड से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा व्यूज़ आए हैं सजेस्टेड वीडियो से, तो हमारा वीडियो वहाँ पर सजेस्ट होता है। जिन बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो के नीचे हमारा वीडियो सजेस्ट होता है और वहाँ से हमें व्यूज़ मिलते हैं। ये देखिए सजेस्टेड वीडियो, मतलब 81.8% सजेस्टेड वीडियो से आया है, ब्राउज़ फीचर से 9.1% है और यूट्यूब सर्च से 9.1% है। तो इस तरह से आपके वीडियो के ऊपर भी व्यूज़ आ सकते हैं, और अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो भी आपकी वीडियो के ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने वाले हैं, 100% व्यूज़ बढ़ेंगे, चैनल के ऊपर आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से वर्क कीजिए, और
अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।